أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। दादा पोता शो के नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आपको मालूम है कि सीखने सिखाने का ये जो प्रोग्राम है इसको हम लेके आपकी खिदमत में आते रहते हैं। मैं एक बात क्लियर कर दूं, वो जो पिछले दिनों हमने ऐलान किया था ज़कात के हवाले से, दोस्त को उनकी मदद हुई, अच्छी खासी मदद हुई, मेरी राय के मुताबिक अच्छी खासी मदद हुई, लेकिन ये है कि ये इल्ज़ाम भी हम पे लगा कि हमने जनाब वो ज़कात वाले जिसने लेनी उनके साथ कमीशन तय किया हो। मैं इसलिए इस तरह के जो लोग बैठे होते हैं ना, इसलिए इस तरह का कोई काम करता ही नहीं। ये मुझे बहुत करीबी अजीज़ ये साहब ना होते तो मैं फिर भी इनके लिए ना कहता, किसी के लिए नहीं कहता, क्योंकि बाद में इस तरह की इल्ज़ाम का ही सामना करना पड़ना होता। मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है भाई। दूसरी बात है कि यार अल्लाह ने बड़ा करम किया हुआ है, इस तरह की किसी कबाहत की या इस तरह की किसी हमाकत की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी बात यह है कि यार ज़कात सदक़ात खैरात और चंदे जो है वो ले के ज़ाती अखराजात में इस्तेमाल करने वाले का हशर देख रहे हैं ना, अडयाला में बैठा हुआ है। मुझे कोई शौक़ नहीं है अडयाला जाने का, मतलब उसके फॉलोअर्स ही होते हैं एक तरह के ना, हाँ भले वो TTP में हों या इधर हों, वो इल्ज़ाम मेरे के ऊपर। चलिए जी, आज का प्रोग्राम सिर्फ फीडबैक के ऊपर मुश्तमल होगा। हम फीडबैक ख़त्म करना चाह रहे हैं, टारगेट यही है, इतने पहले ख़त्म कर लें और फिर हम करंट हो जाएं। जिस दिन आपका फीडबैक आए उसी दिन भुगता दिया जाए। तो आज का पहला फीडबैक, ये कुछ साहब हैं, पहले इनका पैगाम सुन लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, दादाजी क्या हाल है? दादाजी मेरा नाम ताहिर है, मैं मस्कत ओमान में होता हूँ, पाकिस्तान में कराची सिंध से ताल्लुक़ है। यहाँ पे दादाजी हमारे बच्चे पढ़ते हैं, वो मेरा सवाल वैसे क्रेडिट काउंसलिंग के मुतालिक है। यहाँ से पास आउट होने के बाद यानी कि ग्रेड 12 करने के बाद वो कैम्ब्रिज से करें, एडेक्सेल या फेडरल बोर्ड से करें, दो ही ऑप्शन होते हैं हमारे पास यहाँ पे। तो उस करने के बाद जब वो कराची जाते हैं या सिंध जाते हैं, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने ओवरसीज़ की कोई सीट्स रिज़र्व नहीं की हुई हैं, पंजाब और KPK में होता है कि ओवरसीज़ के का कोटा रिज़र्व है, उस पर जो है ना वो जो है वो उसके बाद उनके टेस्ट के बाद मेरिट बनता है, लेकिन सिंध के अंदर ये कानून नहीं है। तो होता ये है कि हमारे बच्चों के साथ जब यहाँ से वो फेडरल बोर्ड करते हैं, फेडरल बोर्ड या कैम्ब्रिज करते हैं, उसके बाद पाकिस्तान जाते हैं, तो दोनों सूरतों में उनकी जो है ना वो इक्वलेंसी बनती है, जिसके नतीजे में उनके मार्क्स डिटेक्ट होते हैं और फिर प्रोफेशनल तालीमी इदारों के अंदर, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ या प्रोफेशनल तालीमी इदारों के अंदर वो फिर उस तरह से उनको सीट्स नहीं मिल पाती हैं, उनका एडमिशन उस जगह पे नहीं होता जो वो डिज़र्व करते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या, जारी बात है ये तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इशू है, इसको कुछ आपको आइडिया है हम किस तरह टेकअप करें जिसके नतीजे में कुछ कोटा रिज़र्व हो जाए, बेशक उसका बाद में मेरिट बने, लेकिन एक ओवरसीज़ का कुछ कोटा रिज़र्व हो। पंजाब और KPK में दोनों जगह ये सूरत हाल है कि वहाँ कोटे रिज़र्व हैं ओवरसीज़ के, पहला सवाल ये है। दूसरी चीज़ ये कि मेडिकल के हवाले से क्या कोई स्कॉलरशिप्स के आपके जहन में है, कोई मेडिकल MBBS के हवाले से जो स्कॉलरशिप करवाते हो पाकिस्तान में, या स्कॉलरशिप ना हो लेकिन थोड़े चार्जेस उनके कम हो, तो कुछ ऑप्शंस अगर आपके जहन में हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा। देखिए बात यह है कि पहली बात तो यह है कि वो एक लंबा प्रोसेस है कि आप कोटे के लिए, ओवरसीज़ के कोटे के लिए बात करें। जो लोग खुद कोटे की पैदावार हैं वो दूसरों के कोटों के ऊपर को जब्त करके बैठे हुए हैं, और मेरी मुराद सिंध रूरल से, जो कि जिनको अगर कोटा ना दिया जाए वो किसी भी शोबे के अंदर कराची के हमारे भाइयों के साथ कम्पीट नहीं कर सकते मेरिट के ऊपर। हालांकि पढ़े ये अंदरूनी सिंध से आगे कराची में ही होते हैं, उन्हीं इदारों में पढ़ते हैं, लेकिन वो कम्पीट नहीं कर सकते। पहली बात, ये जो कोटे की बुनियाद के ऊपर आने वाले लोग जो होते हैं ये दूसरों को कोटा देने के लिए तैयार नहीं है। कराची KPK और पंजाब के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज का प्रोफेशनल अदारों के अंदर कोटा कायम है, उसके लिए बहरहाल आपको आवाज़ उठानी है, और आवाज़ जो है वो आपकी बड़ी महीन सी और कमज़ोर सी होनी है, क्योंकि MKM के को जो सीटें अता हुई हैं दर्जनों, उसकी बुनियाद पे उनसे कहा जा सकता है कि भाई ये तो आवाज़ उठाएं, लेकिन वो लंबा प्रोसीजर है। जहाँ तक बात है मेडिकल की, तो मेडिकल के शोबे के अंदर हम अहले पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के अंदर इतना ज़्यादा गंद मचाया है कि अब पाकिस्तान से आने वाला बच्चा जब मुँह से मेडिकल का MB निकालता है तो वो फ़ौरन कहते हैं कि ये पैसों वाली लाइन में लग जाए, पैसों वाली लाइन में लग जाए। स्कॉलरशिप हमारे लिए
इंजीनियरिंग में बरकरार हैं दुनिया भर के अंदर, लेकिन मेडिकल के हर शोबे के अंदर स्कॉलरशिप्स जो हैं वो ख़त्म हो कर दिए गए हैं, क्योंकि हम अंधे हुए हुए हैं। इसके बावजूद के फिजिशियन का डिपार्टमेंट 2030 के बाद ख़त्म है वेस्ट के अंदर, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में रहे शायद, वेस्ट के अंदर ख़त्म है। हम अंधाधुंध MBBS लड़कियां जनाब वो डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं, लड़के खुदकुशियां कर रहे हैं, मैं डॉक्टर नहीं बन सका लिहाजा मैं जनाब खुदकुशी कर रहा हूँ कर रहे हैं। हमने ऐसा बच्चों को स्टिग्माइज कर दिया है, ऐसा तुन तुन के ठोंस ठोंस के उनके अजहान को बिल्कुल ही वो कर दिया है कि उनका ख्याल है कि डॉक्टर बनना। हालांकि पाकिस्तान जैसे मुल्क के मेडिकल सिस्टम के अंदर डॉक्टर बनना दुनिया में इजाब है, ठीक है। हमारे जितने दोस्त अहबाब हैं इस शोबे के अंदर उनकी ज़िंदगी मिजरेबल है, ठीक है। तो इसलिए प्यारे भाई, मेरी पहली तो ख्वाहिश होती है, मेरे पास कोई भी काउंसलिंग के लिए आए तो मैं मेडिकल का कीड़ा तो उसके दिमाग में से निकालता हूँ कि बेटा मेडिकल को छोड़ दे, ये प्रोफेशन वैसे ही ख़त्म हो जाना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए मशीनों ने सर्जरियाँ करनी शुरू कर देनी है, और ऑनलाइन देख के आज भी आपका कैम्ब्रिज का बच्चा जो है उसे आप सिम्टम बताएं, वो ऑनलाइन देख के आपको पूरी बीमारी बता देगा और फिर उसकी दवाइयां भी सजेस्ट कर देगा। और ये जो आजकल का नलायक डॉक्टर आ रहा है ना मार्केट के अंदर, ये हाथ में मोबाइल पकड़ के आपको दवाई बता रहा होता है वो खुद ऑनलाइन देख के बता रहा है, तो मतलब कि दो चार टर्म ही समझ नहीं है ना बच्चे ने। तो एक आम जो ए लेवल का ओ लेवल का बच्चा है वो आपको आज के दिन भी बता देता है, मैंने खुद बच्चे दास्ते हैं आपको ये बीमारी है, इसके सिम्टम्स ये होते हैं, इसके अंदर इस चीज़ से एहतियात करना चाहिए और ये वाले सॉल्ट वाली मेडिसिन लेनी चाहिए, वो सॉल्ट डालता है, इसकी कौन कौन सी मेडिसिन है, उनमें से कौन इस वक्त मार्केट में दस्तियाब है और साढ़े घर के कुल केड़ी मिल रही, अब ये ले लें दादा। इस तरह बच्चे जो हैं वो मेडिकल डॉक्टर से ज़्यादा तेज़ी के साथ आपको बताते हैं। ज़ाहिर है कि उन बच्चों ने ब्लड प्रेशर चेक नहीं किया होता, उन बच्चों ने टेम्परेचर नहीं मापा होता, उन लोगों बच्चों ने खाने पीने का अहवाल नहीं पूछा होता, लेकिन मेडिसिन वो पूरी की पूरी बता के आते हैं आपको। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनके कहने के ऊपर दवाई खाना शुरू कर दें, दवाई आपने डॉक्टर के कहने पे ही खानी है, क्योंकि डॉक्टर ने और बहुत सारे फैक्टर्स को कैलकुलेट करना होता है। तो डरें उस वक्त से कि ये 7 साल लगा के FSC के बाद या ए लेवल के बाद डॉक्टर करने वाला जो है ये भी वही चीज़ बता रहा हो जो 8वीं क्लास का स्टूडेंट बता रहा हो, तो फिर तो ये डिग्री ख़त्म, डिग्री तो रुड़ गई ना, डिग्री तो है? तो इसलिए भाई मेडिकल का स्कॉलरशिप कोई दस्तयाब नहीं है इस वक्त। हाँ, सस्ता हो सकता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, जैसे देखिए जो बड़े बड़े इश्तहारात देते हैं मेडिकल कॉलेजेस लाहौर में, वो जनाब फीस लेते हैं साल की जिसे कहना चाहिए कोई 52 लाख ले रहा है, कोई 42 लाख ले रहा है, मतलब इस रेंज में लेते हैं। लेकिन जो ट्रस्ट के तहत चलने वाले मेडिकल कॉलेजेस हैं, जैसे रहमत अली हॉस्पिटल है, लेटन रहमत अली मेडिकल हॉस्पिटल टाउनशिप के अंदर, उसके साथ जो ओरिएंटल मेडिकल कॉलेज एसोसिएट है, वो सुना है कि इस वक्त सबसे कम कुछ 16-18 लाख रुपए साल का लेता है, ठीक है। इसी तरह शरीफ मेडिकल सिटी, कितना उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ है, जहाँ पे दीगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस 52 लाख रुपया ले रहे हैं, ये सिर्फ 24 लाख रुपया साल का ले रहा है, यानी महीने की 2 लाख रुपया। तो वो 52 लाख रुपए वाले के मुकाबले में तो ये कम फीस ही हुई ना, नेकी का काम ही हुआ। लेकिन मैं आपको एक और बात ना अर्ज़ कर दूँ, इस वक्त काजकस्तान जो है वो ख़ुद को ओपन कर रहा है, अलमाते उसका कैपिटल है शायद, उनके यहाँ पर जो ऑनरेरी कौंसल जनरल हैं लाहौर में, उनके साथ काम करने वाला एक नौजवान जो है बरखुरदार है हमारा, वो बता रहा था कि अलमाते के अंदर मेडिकल की तालीम जो है वो बहुत सस्ती है। मैंने उसे पूछा सस्ती से मुराद क्या है, उस वक्त डॉलर 175 का था, तो उसने कहा कि दादा जो है वो 1 लाख रुपए पाकिस्तानी जो है, 1 लाख मतलब 1 लाख रुपया पाकिस्तानी के अंदर एक महीना बच्चा बड़े आराम से वहाँ पे गुजार सकता है, जिसके अंदर उसकी फ़ीस भी शामिल है, रहाइश भी शामिल है,
बांदर टपूसियाँ भी शामिल हैं, तो 1,00,000 रुपए में मतलब तकरीबन उसने कहा 50,000 के करीब फीस है, और 50,000 में बड़ा अच्छा कमरे का किराया ये वो सारा कुछ हो जाता है। तो वो खुल रहा है, अभी खुला नहीं है वेस्ट के लिए ना, तो अलमाते की अभी डायरेक्ट फ़्लाइट इस्लामाबाद से शुरू नहीं हुई, लेकिन आप मस्कत में ठहरे हैं तो दुबई से तो डायरेक्ट फ़्लाइट उसकी होगी। तो अगर आप सस्ता तरीन मेडिकल का डिग्री करवाना चाहते, अच्छा डिग्री, अच्छा पाकिस्तान में डिग्री भी रिकगनाइज है, लेकिन एक बात जहन में रखिएगा कि इस वक्त मेरी एक बड़े ज़िम्मेदार पाकिस्तान के ज़िम्मेदार शख्स से बात हो रही थी, उसने कहा कि हमने मेडिकल के नाम के ऊपर उस वक्त, या आज से कुछ 4 या 5 साल पहले की बात है, 4,600 के करीब जहनी मरीज पैदा कर लिए। मैंने कहा ये एग्जैक्ट फिगर क्यों दे रहे हैं आप? उन्होंने कहा ये वो बच्चे हैं जो चाइना से और दीगर ममालक से MBBS करके आए हैं, और पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल जो हर साल मेडिकल की प्रैक्टिस की इजाज़त देने के लिए एक इम्तिहान लेती है, उस इम्तिहान में फ़ेल हो गए। अब वालदैन उन्हें कहते हैं काम करो, वो कहता है जी मैं तो 5 साल मेडिकल पढ़ के आया, तो मैं तो डॉक्टर हूँ, और पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल उनको इजाज़त नहीं देती, ना उन्हें नौकरी मिल सकती है, ना वो कहीं पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। नतीजे के तौर पर वो घरों में डिप्रेशन का शिकार हैं, कोई जो हैं वो साइकेट्रिक के ज़ेर इलाज शुरू, उनके इलाज शुरू हो गए, क्योंकि बेचारे उस डिप्रेशन में चले गए, और वहाँ से वो पढ़ के नहीं आए, वहाँ पे वो सिर्फ डिग्री लेके आए। अब चाइना के अंदर तो ख़ास तौर पे मेडिकल की एजुकेशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा तबाही फिर गई है, क्योंकि उनकी इकॉनमी बहुत तेज़ी से फैली, और तेज़ी से फैलने के नतीजे के अंदर उनके ऐसे बच्चे जिनको अभी सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस में डिमॉन्स्ट्रेटर या लेक्चरर होना चाहिए था, वो फुल प्रोफेसर बन। तो मेडिकल का मैार तो उनके यहाँ बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया, चीन के अंदर तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया। आज से 5-10 साल पहले आप सुना करते थे कि चीन में इलाज कराने जाएं तो एक्यूपंक्चर तो और फलाना और टमकाना, पिछले 5 साल में सुना भेड़े गर्क हुए पे ने, उनके यहाँ मेडिकल की तालीम का रगड़ा ही निकल गया। सबसे ज़्यादा जो बच्चे इस वक्त PMDC का इम्तहान पास नहीं कर पा रहे वो हैं जो चाइना से मेडिकल की डिग्री लेके आए। ठीक है, वो मतलब मेरा मतलब है कि 1-2.5 साल बच्चे को आपने फुल प्रोफेसर मेडिकल का डिक्लेयर कर दिया है, उसके अंदर तो अभी अपनी ज़िंदगी की मेच्योरिटी नहीं आई, तो फिर हम आगते करेगा वो आगे भी वो वैसी टीम तैयार कर। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर वो गांधा नहीं आया, यहाँ पर स्टैंडर्ड जो हैं वो या तो यूरोपियन स्टैंडर्ड हैं या रशियन स्टैंडर्ड। और ये बात आप जहन में रखिए कि जब 2005 का जलजला आया था पाकिस्तान के अंदर, उस वक्त 2005 का या 6 का जलजला जड़ा भी था, उसमें सबसे बेस्ट परफॉर्मर जो थे वो क्यूबा के डॉक्टर्स थे, जो कि रशियन पैटर्न ऑफ मेडिसिन के ऊपर ट्रेंड हुए थे ना, सबसे अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया था, सबसे ज़्यादा इलाज उन्होंने किए थे, सबसे ज़्यादा आसानियाँ लोगों में उन्होंने बांटी थी। अलमाते में अगर वो रशियन पैटर्न पे भी चल रहा होगा तो बेहतरीन डॉक्टर बनाएगा, ठीक है, और अगर ये वेस्ट की तरफ चल के मेडिसिन पैटर्न पे चल रहा होगा तो बेहतरीन डॉक्टर बनाएगा। तो इसलिए मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा, लेकिन ये ताज़ा तरीन मेरे इलम में आया था, तो मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ अगर आप मस्कत में हैं तो अल्लाह के बंदों से पाकिस्तान वापस ना भेजें। हो सकता है कि अलमाते के यहाँ उसको ज़्यादा कंजर्वेटिव माहौल मिले बिलमुकाबल कराची के, जो कबाहतें जिस तरह के नशे आइस ये वो पाकिस्तान के तालीमी इदारों में रिवाज पा चुका है और सीक्रेटली पा चुका है। सीक्रेटली का मतलब है कि आप उसे रोकने का कोई वो भी नहीं कर सकते, मतलब अपॉय भी नहीं कर सकते, वहाँ पे ओपनली होते। या रात ये फलां क्लब में गया था, ये सुपरिटेंडेंट को सुबह रिपोर्ट पहुँचेगी और वो बुला के उससे पूछेगी कि हाँ अभी तू क्यों गया था वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे तो पता ही नहीं चलना ना, यहाँ पे तो पता तब चलना है जब आंखों के गिर्द घेरे और बच्चे को सारी रात नींद नहीं आ रही, ठीक है, और वो चक्कियाँ बढ़ रहा है क्योंकि पैसे नहीं मिले और नशा नहीं कर सका, तो आपको तो तब पता चलना ना। इतने तो पूरा बेड़ा गर्क हो गया होता है जो बच्चे का पता चलता वालदैन को, ठीक है ना। वहाँ पर तो रात गया नहीं, तो सुबह रिपोर्ट आई नहीं, तो सुबह उस क्लास में खड़ा किया नहीं,
ठीक है, तीसरी चौथी गलती के ऊपर चल पुत्र वापसी की टिकट ले, अपने माँ पियो को जाके अपना बेड़ा गर्क कर, हमारे पास ना रहे। तो पहली तो बात यह है कि मेडिकल के अलावा को बच्चे को किसी और शोबे में डाल लें। बायोटेक बहुत बड़ा शोबा है, दुनिया ने खाना खाना है बायोटेक्नोलॉजी के जरिए आइंदा मुस्तकबिल में, तो बायोटेक्नोलॉजी की तरफ डाल दें। मेडिकल के अंदर अगर उसने इंटर कर ही लिया है, लेकिन अगर आपके दिमाग के अंदर भी खन्नास है और आप बच्चे को भी जहन को भी पल्यूट कर चुके हैं कि नहीं इन्हें तो डॉक्टर ही बनना है, इसने तो डॉक्टर ही बनना है, तो फिर पाकिस्तान में सस्ते तरीन दो ऑप्शन मैंने लाहौर के तो आपको बता दिए, कराची का मुझे नहीं पता, ठीक है, मेरा सर्वे नहीं है इसलिए मैं अर्ज नहीं करूँगा। और अगर ओवरसीज़ देखना होना तो इस वक्त ओपन अप ज़्यादा नहीं हुआ, सियासी मामलात के ऊपर आप डिस्कस ना करें तो यूरोप जितनी आज़ादियाँ हैं वहाँ पे, वेस्ट जितनी आज़ादियाँ हैं, तो अगर वहाँ पे बच्चे को दाखिल करवा सकें तो पाकिस्तान से सस्ता मेडिकल वो वहाँ पे कर सकता है और इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर के अंदर कर सकता है। मैंने बहुत डिटेल में आज का पूरा प्रोग्राम जो था वो आपकी नज़र ही हो गया, तो मैंने अर्ज़ कर दिया। साथ में इन्होंने फातिमा फर्टिलाइज़र के शेयर के बारे में पूछा है और नेशनल फूड के शेयर के बारे में, दोनों अच्छे शेयर हैं। शेख निशात साहब जो हैं वो दो नंबरी के अंदर बड़े माहिर हैं, देते दे भी देते हैं, अच्छा शेयर है उनका। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं अहमद बात कर रहा हूँ लाहौर से। आपसे पता करना था कि PAEL और FFL का क्या फ्यूचर है, ये शेयर्स हमें लॉन्ग टर्म में रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए, इसके बारे में गाइड कर दीजिए। जी दोनों बहुत अच्छे शेयर और मुस्तकबिल के हैं शेयर, एग्रीकल्चर के रिलेटेड है। PAEL जो है ऑयल के रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए उसको नहीं सोचना चाहिए, लेकिन ये जो है दूसरा जो है ये तो मुस्तकबिल करीब के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत अच्छा है, एग्रीकल्चर के रिलेटेड शेयर है तो रखने चाहिए, बिल्कुल रखने चाहिए। PAEL को ज़रा देख लीजिएगा, उसको दो तीन चार साल के अंदर किसी और अच्छे शेयर से रिप्लेस कर लीजिएगा। FFL जो है वो बहुत अच्छा। अब तक के लिए आज के दादा पोता शो से इतना ही, फिर आपकी खिदमत में हाजिरी होती है। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल के खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।